अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बच्चों आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा के लिए, माध्यम हमारा उर्दू, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, इकाई 2। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 4, साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, जिसे लिखा है कुबेर कुमावत जी ने, और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें हमने आधा सबक पढ़ लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका शिक्षक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मैं हूँ शम्स तबरेज। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। तो देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या देखा। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा है परिचय। किसका परिचय? कुबेर कुमावत जी का परिचय। आधुनिक साहित्यकारों में कुबेर कुमावत का एक जाना माना नाम है। पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं उनका परिचय। उसके बाद हमने देखे इस पार्ट में हमें क्या सीख मिलती है। ये एक निबंध है, जैसे कि हमने देखे पिछले वीडियो में कि निबंध लिखा हुआ है डायरी पर, कि डायरी किस तरह होती है, किस तरह उसकी विधा है, कौन कौन सी विधाएँ हैं वगैरह हमने देखे हैं। उसके बाद हमारा सबक शुरू होता है, और सबक में हमने देखे डायरी के बारे में कि लोग डायरी को क्या कहते हैं, उसकी तुलना किससे करते हैं, और ये एक पुरानी विधा है ऐसा इसको माना जाता है। उसके बाद हमने देखे कि जो डायरी होती है, डायरी का मतलब तारीख वार हिसाब किताब रखना नहीं है, बल्कि ये एक उसका साधारण सा परिचय है, और आम जनता को डायरी के बारे में दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके अलावा हमने देखे कि डायरी को पिछड़ी विधा माना जाता था पहले, लेकिन यहाँ पर कुबेर कुमावत जी कुछ और ही कह रहे हैं। इसके अलावा हमने देखे बहुत सारी विधाएँ होती है हिंदी साहित्य में, कौन कौन सी विधाएँ, यहाँ पर हमने देखी नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना वगैरह, आपने ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके अलावा हमने ये देखे अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी, इसलिए अपने स्वरूप में डायरी प्रकाशन योजना का भी नहीं होता है। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि हम डायरी लिखते हैं, तो डायरी लिखना एक आसान काम नहीं है, लेकिन डायरी लिखने से इंसान प्रसन्न होता है, और उसमें कोई बंदिशें नहीं होती है, कोई किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं होती है, क्योंकि हमें उसे छापना नहीं होता है, लोगों के सामने लाना नहीं होता है। इसके अलावा हमने देखे कि साहित्य के अन्य विधाओं के पीछे उनका प्रकाशन होता है, इसलिए उनको तरतीब से लिखा जाता है। जो दूसरी जो विधाएँ हैं, जैसे हमने देखी कहानी, उपन्यास वगैरह, उसके पीछे क्या होता है, उसको छापना है, इसलिए उनको तरतीब दिया जाता है, बाकायदगी से उसको लिखा जाता है, लेकिन डायरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर हमने देखे थे पिछले वीडियो में कि डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं होता है कि किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया हूँ। डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक, सरल एवं आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है डायरी, ऐसा हमने देखी। चलिए ये तो हो गया रिकैप हमारा कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, और आज का लेसन हम पढ़ते हैं। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। ये अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरती धीरे धीरे और क्रमश अग्रस्त होने वाली विधा है। डायरी में जो जीवन है वो सावधानपूर्वक रचा हुआ जीवन नहीं है, डायरी में वो
कसाव नहीं होता जो अन्य विधाओं में देखा जा सकता है। डायरी में पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है जिसमें सब कुछ निसंकोच उभर कर आता है। इस सबक में लेखक कुबेर कुमावत जी बता रहे हैं कि डायरी में जो जीवन है वो साधन पूर्वक रचा हुआ नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, वो डायरी में जो लिखा जाता है वो साधन पूर्वक लिखा नहीं जाता है, क्योंकि ये डायरी हमें प्रकाशन नहीं करना है, छापना नहीं है। और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखे कि 150 से कम डायरियाँ छपी है आज तक, तो इसलिए डायरी में वो कसाव नहीं होता जो अन्य विधाओं में देखा जा सकता है, क्योंकि उनको प्रकाशित करना है, उससे पैसे कमाना है वगैरह। डायरी में इस तरह नहीं होता है। डायरी में जो भी होता है निसंकोच उभर कर आता है। जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है हम उसको डायरी में उतारते हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर लेखक। चलिए बढ़ते आगे। डायरी विधा के रूप, संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है, परंतु ये फर्जी भी हो सकता है। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियाँ और नाटक इसी फर्जी कालानुरूप में लिखे गए हैं। यहाँ केवल डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है। दैनंदिन जीवन के अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसी कालानुक्रम में अंकित करता है, परंतु इसके पीछे डायरीकार की निष्कपट स्वीकारोक्तियों का स्थान सर्वाधिक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक के डायरी विधा के रूप में संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है, यानी जो दिन भर हम लिखते हैं, दिन भर में क्या क्या हुआ उसको लिखते हैं, ये उसकी खास बात है। और जैसा कि यहाँ पर कह रहे लेखक के इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है, परंतु ये फर्जी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? फर्जी भी हो सकती है। जैसे कि लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे कहानियाँ लिख के जाती है, उपन्यास लिख के जाते हैं, नाटक लिख के जाते हैं, तो वो क्या होता है? फर्जी होता है। फर्जी होता है मतलब वो किसी से किसी के जीवन पर आधारित नहीं होती है। इंसान सोचता है और उसको लिखता है एक कहानी, कोई भी कहानियाँ, परियों की कहानियाँ हैं, जंगलों की कहानियाँ हैं, है ना। और ऐसे नाटक होते हैं, प्रोग्राम में जो नाटक होते हैं ना, ड्रामे वगैरह जो लिख के जाते हैं, वो क्या होते हैं? फर्जी होते हैं। ऐसा फ़र्ज किया जाता है और फिर उसको लिखा जाता है। ये अगर हम सिर्फ डायरी की बात करें तो डायरी में भी ऐसे प्रसंग हुए हैं, उसमें भी अपने मन से लिखा गया है, बल्कि अपने ज़िंदगी के विचारों को व्यक्त नहीं किया गया है। दैनंदिन जीवन के अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसी कालानुक्रम में अंकित करता है। हाँ, अगर कोई लिख रहा है कि मैं जो उसकी ज़िंदगी में हुआ नहीं है और वो लिख रहा है डायरी में, तो वो डायरी क्या मानी जाएंगी? फर्जी डायरी मानी जाएंगी, सच्चाई उसमें नहीं है। इस तरह उसको माना जाएगा कि जो भी उसने लिखा है वो अपने दिल से लिखा है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपके? तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि डायरी में क्या होनी चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए। अगर हम डायरी लिख रहे तो जो हमारे जीवन में घटा है हमें वही अगर लिखेंगे तो सही मायनों में वो डायरी लिखना है, नहीं तो और बहुत सारी विधा है साहित्य की, बहुत सारी विधा है, कहानी, नाटक, उपन्यास वगैरह, वो तो फर्जी तौर पर लिखा ही जाता है, जिसे हम आम तौर पर नकली कहते हैं, जैसे स्टोरी होती है उस तरह की। समझ रहे आप लोग? चलिए बढ़ते आगे। बाजारों में जो कॉपियाँ मिलती है उनमें छिपा हुआ कालानुक्रम है। इनमें हम अपने दैनंदिन जीवन के अनेक व्यवहारिक ब्यौरों को दर्ज करते हैं, परंतु ये विवेच्य डायरी नहीं है। डायरी जो बाज़ार में मिलती है उसमें लिखा रहता है दिन, तारीख, है ना, और कुछ डायरियों में तो टाइम वगैरह भी मेंशन होता है। तो ये डायरी का जो विधा डायरी है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ
रोज के काम के लिए है कि आज हमने क्या किए, क्या बेचे, जैसा कोई हिसाब किताब रखता है ना, ब्यूरो रखता है कि आज सुबह से क्या हुआ है। जैसे आप मेडिकल पे जाएंगे तो मेडिकल पर एक बुक होती है, कौन सी दवा आज हमने बेचे, कौन सी दवा की कमी है, कौन सी दवा मंगवानी है वगैरह, समझ रहे आप लोग। इस तरह व्यवहारिक ब्यूरो को दर्ज करते हैं, परंतु ये विवेच्य डायरी नहीं है। बाजारों में मिलने वाली डायरियों के मूल में एक कैलेंडर वर्ष छपा हुआ है। ये कैलेंडर नुमा डायरी शशक निरस एवं व्यवहारिक प्रबंधन वाली डायरी है, जिसका मनुष्य के जीवन एवं भाव जगत से दूर दूर तक संबंध नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, व्यवहारिक है। क्या है व्यवहारिक, कि हम क्या आज खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, जो भी व्यवहारिक रहता है उसका ब्यूरो इसमें लिखा जाता है। लेकिन जो डायरी विधा है उससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये डायरी अलग है, ये डायरी क्या है, एकदम अलग है। और हम जिस डायरी की बात कर रहे हैं वो हमारे जीवन पर आधारित है कि हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, यानी उसमें एकदम सच्चाई हो। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह अगर मैं दिन की डायरी की बात करूं तो सुबह मैं इतने बजे उठा, उसके बाद मैंने ये नाश्ता किया, कुछ अच्छा बुरा मेरे साथ हुआ तो वो मैंने तहरीर किया, वो उस डायरी में लिख लिया। उसके बाद मैं अगर कहीं सफ़र कर रहा हूँ तो वो लिख लिया, कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ वो लिख लिया, और क्या क्या मेरे साथ हुआ है वो लिखा, फिर दोपहर का खाना, शाम में किस तरह सोया, वो सब, ये होता है डायरी। लेकिन जो बाज़ारों में डायरी मिलती है वो व्यवहारिक जीवन की होती है, उससे डायरी विधा का दूर दूर तक संबंध नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए बढ़ते आगे। हिंदी में अनेक डायरियां ऐसी है जो प्राय यथावत अवस्था में प्रकाशित हुई है। इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार के व्यक्तित्व को निष्कपट पारदर्शक रूप में देख सकते हैं। डायरी को बेलाग आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि है। उन्होंने अपने अनुयायियों एवं कार्यकर्ताओं को अपने जीवन को नैतिक दिशा देने के साधन रूप में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया तथा इसे एक वृत्त के रूप में निभाने को कहा है। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक के, डायरी को आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान रहा है। किसका योगदान रहा है, महात्मा गांधी का। जानते हैं ना आप लोग महात्मा गांधी, वेरी गुड। तो महात्मा गांधी का योगदान रहा है, उनके जो कार्यकर्ता है उनके साथ जो रहते थे उन्होंने उनको हमेशा से प्रेरित किया है कि डायरिया लिखो, दैनंदिन डायरिया लिखो, क्या कर रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं आप, है ना। अगर उस ज़माने की डायरी आज हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि किस तरह आज़ादी में वो हिस्सा लेते थे, कितनी रुपये की में कौन सी चीज़ आती थी, ये सब चीज़ें हमें उस डायरी से देखने के लिए मिलेगी। जैसे मान लो आज आप डायरी लिख रहे हैं, ठीक है ना, पूरे दिन भर का हालचाल आप लिख रहे हैं, और फिर मान लो ये 25 साल 30 साल के बाद अगर कोई पढ़ता है तो उसको पता चलेगा कि आज के दौर में क्या होता था, किस तरह की न्यूज़ आती थी, किस तरह का इलेक्शन होता था, किस तरह की बीमारियां आती थी, कोरोना कैसा था, कितने लोग मर रहे थे, है ना, बस का टिकट कितना था, ट्रेन का टिकट कितना था, ये सब हम डायरी में अगर दर्ज करेंगे और 25 साल बाद उसे कोई पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा हाँ उस वक्त में इस तरह होता था और इस तरह बीमारी आई थी, इस तरह इलेक्शन होते थे, और इतना ट्रेन का टिकट था, बस का टिकट यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए इतना था, रिक्शा का भाड़ा इतना था, लाइट बिल इतना आता था, गैस का बाटला इतने में आता था, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो आज से 25 साल बाद वो पढ़ेगा तो उसको फिर इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूम होगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के ज़माने की जो डायरी आज हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस ज़माने में क्या हो रहा था। और यहाँ पर बता रहे कि महात्मा गांधी ने आत्म प्रकाशन विधा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो अपने
कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को सुझाव देते थे, दैनंदिन डायरी लिखिए। बढ़ते आगे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन एवं आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी। गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरियाँ आज हिंदी में अनुवादित है। इनमें मनुबेन गांधी, महादो देसाई, सीताराम सेक्सरिया, सुशीला नायर, जमुना दाल बजाज, घनश्याम बिडला, श्रीराम शर्मा, हीरा लाल जी, शास्त्री आदि उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन लोगों को गांधी जी ने कहा था कि आप डायरियाँ लिखिए और दैनंदिन जीवन की डायरियाँ बनाइए और रोज़ाना उसे लिखिए, तो इस तरह की बहुत सी डायरियाँ लिखी गई है। गुजराती में बहुत सारी डायरियाँ लिखी गई है जिनका हिंदी में अनुवाद हुआ है, हिंदी में तर्जुमा हुआ है। और जिन लोगों की डायरियाँ लिखी गई थी और हिंदी में जिन लोगों का अनुवाद हुआ है उनके नाम यहाँ पर दिए हुए, जैसा कि हमने देखा मनुबेन गांधी, महादो देसाई, जमुना दाल बजाज वगैरह, तो इन तमाम ने अपनी डायरियाँ लिखी है और उनकी डायरियाँ जो है प्रकाशित हुई है, सामने आई है और उनका हिंदी में अनुवाद हुआ है। समझ रहे? तो जैसा कि पहले हमने देखा महात्मा गांधी जी ने डायरी विधा को बढ़ाने में उनका योगदान रहा है, वही यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपने साथियों को बोला था लिखने के लिए और उन्होंने लिखे और प्रकाशित हुई। बढ़ते आगे, निष्कपट आत्मसुई कृतियुक्त प्रविष्टियों की दृष्टि से हिंदी में आज अनेक डायरियां प्रकाशित है जिनमें अंतरंग जीवन के अनेक दृश्य एवं स्थितियों की प्रस्तुति है। इनमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शिव पूजन साय, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामेश्वर टांटिया, रामधारी सिंह, दिनकर मोहन राकेश, मलियज, मीना कुमारी, बालकवि, बैरागी आदि की डायरियाँ उल्लेखनीय है। कुछ निष्कपट प्रविष्टियाँ काफ़ी मार्मिक एवं हृदय स्पर्श है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप तस्वीरें दिख रही हैं, अनेक डायरियाँ प्रकाशित हुई हिंदी में आज तक जो है, अनेक डायरियाँ प्रकाशित हुई है और उसमें क्या है, अंतरंग जीवन की यानी उनके सेल्फ, उनकी जो जिंदगी थी, अंतरंग जीवन के अनेक दृश्यों एवं स्थितियों को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं कि किन किन की प्रकाशित हुई है ना। यहाँ पर दिख रहा है आपको मोहन राकेश की डायरी, निया नई दिशा, जेल डायरी वगैरह, बहुत सारे लोगों ने डायरियाँ लिखी है लेकिन उनमें से कुछ ही प्रकाशित हुई क्योंकि वो हमारी कॉन्फिडेंशियल होती है, वो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, जो अपने लाइफ को शेयर करना चाहता है वो कर देता है, प्रकाशित कर देता है, जो नहीं करना चाहता है वह रह जाती है। तो इस तरह होती है डायरी की, डायरी के अंदर हमारा निजी जीवन होता है कि हम हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, छोटी से छोटी बात। और जैसा कि हमने पीछे देखा कि तुच्छ से तुच्छ बात भी उसके अंदर शामिल हो सकती है कि आज मैंने ब्रश कब किया, ये बात भी उसके अंदर हो सकती है। चलिए बढ़ते आगे, मीना कुमारी अपनी डायरी में एक जगह लिखती है, जिंदगी के उतार चढ़ाव यहाँ तक ले आए कि कहानी लिखो, ये कहानी जो कहानी नहीं है मेरा अपना आप है, आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जी चाह रहा है सब उगल दूँ। देखिए ये डायरी से लिया हुआ है, किसकी डायरी से, मीना कुमारी जी की डायरी से लिया हुआ है कि वो अपनी डायरी में उन्होंने क्या लिखा, एक साधारण सा
जुमला यहाँ से लिया गया है कि वो क्या लिख रहे हैं कि जिंदगी के उतार चढ़ाव यहाँ तक ले आए कि कहानी लिखो। अब उनकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आए थे वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो बोल रही है कि उतार चढ़ाव ऐसे आए हैं कि कहानी लिख दो। ये कहानी जो कहानी नहीं है, मेरा अपना आप है। क्या कह रही हो? ये कहानी कहानी नहीं है। कहानियाँ कैसी होती है? मनगढ़ंत भी होती है और फर्जीवाड़ा भी उसके अंदर होता है। फ़र्ज किया जाता है, इस तरह कहानी लिखी जाती है। लेकिन ये क्या बोल रही है? कहानी कहानी नहीं है बल्कि मेरा अपना आप है, यानी मैं खुद हूँ, ये मेरी कहानी है। तो लिख रही है कि आज जब उसने मुझे छोड़ दिया, आज जब मुझे उसने छोड़ दिया तो जी चाह रहा है सब उगल दो। इसके बारे में भी वो लिखना चाह रही है कि वो बोल रही है कि आज जब उसने मुझे छोड़ दिया। ये उनका पर्सनल मैटर है, उनकी निजी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था किसी और को पता नहीं था। लेकिन वो क्या कह रही है कि आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जी चाह रहा है कि सब उगल दो, कि मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, दिल चाह रहा है सब उगल दो। तो यहाँ पर कवि हमें एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारी जो डायरी है, निजी डायरी जो हम लिख रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होती है, किसी तरह की कोई बनावट नहीं होती है, कोई फर्जी चीज़ उसके अंदर नहीं होती है, किसी भी तरह की मनगढ़ंत कहानी उसके अंदर नहीं होती। जो हमारे ज़िंदगी में हो रहा है या जो हमारे ज़िंदगी में गुजरा है, हाँ, उसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लेकिन उसके अंदर तमाम चीज़ें आनी चाहिए, अच्छी और बुरी सभी तरह की चीज़ें उसके अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अच्छी चीज़ें हुई है वो लिख दो और जो ख़राब हुई, जो आपने बुरा किया वो ना लिखे। तो यहाँ पर क्या कह रही है कि आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जी चाह रहा है सब उगल दूँ। चलिए बढ़ते आगे, ये लिखा है मीना कुमारी जी ने अपनी डायरी में। बढ़ते आगे, मलिक अपनी डायरी में 29 दिसंबर 1951 को लिखते हैं, शायद सब कुछ मैंने भावना के सत्य में ही पाया है, कुछ नहीं होता, मैं ही सब लिप्त कर लिया करता हूँ, संकेत मिलते हैं, पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर वो क्या लिख रहे हैं, 29 दिसंबर 1991 को लिखते हैं कि शायद सब कुछ मैंने भावनाओं के सत्य में ही पाया है। भावना, जो भी भावना उनके अंदर थी उसके सत्य में उन्होंने सब कुछ पाया है, संकेत मिलते हैं और मैं पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूँ। बढ़ते आगे, डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा अपनी डायरी में 19/11/1921 के दिन लिखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ना लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। जब हम पढ़े लिखे वो समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई है, तब औरों से क्या आशा की जा सकती है। सच तो ये है कि भले घरों के पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही कायरता दिखाई है। देखिए, अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि 19/11/2021 को जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था, वो कह रहे हैं कि भाग नहीं लेने का जो बोझ था वो मेरे दिल पर हमेशा रहा, कि हम पढ़े लिखे और समझदार लोग राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे तो औरों से हम क्या आशा रखते हैं, औरों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि सच तो ये है कि भले घर के यानी अच्छे घर के लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और कायरता दिखाई। एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह डायरी लिखी गई है। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कब की बात बता रहे हैं, 1921 के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था कि उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। तो ये सच्ची घटनाएं हैं, उनके जीवन में घटी हुई घटनाएं हैं। बढ़ते आगे, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपनी जीवन की सच्ची निष्काय पारदर्शी छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। डायरी जीवन के अंतर्दर्शन है, अंतरंगता के
अभाव में डायरी डायरी करके निजी भावनाएं, विचारों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा अंकित उसके अपने जीवन एवं परिवेश का दस्तावेज है। जो भी उसने देखा, लिखा, समझा, व्यक्त किया, उसके भाव, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, क्या हो रहा था, वो क्या सोच रहा था, क्या व्यक्त कर रहा था, उसकी थिंकिंग क्या थी, वो क्या बोलना चाह रहा था, किसके खिलाफ में था, किसके फेवर में था, ये तमाम चीज़ें डायरी के अंदर आती है। बढ़ते आगे, एक अच्छी, सच्ची एवं सादगीयुक्त डायरी के लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी एवं ईमानदार होना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक सही मायनों में जिसे हम डायरी कहते हैं, जीवन की सच्ची डायरी, उसके लिए क्या होना चाहिए, डायरीकार यानी जो डायरी लिख रहा है, सच्चा, साहसी यानी उसके अंदर हिम्मत होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, वहीं मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। कौन? डायरी। डायरी क्या करती है, अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है यानी उसके अंदर कायदे कानून बनाए रखती है, वही मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। कौन? डायरी। तो डायरी लिखने में इंसान क्या होता है, अनुशासन आता है उसकी ज़िंदगी में और उसकी मनोवैज्ञानिक संतुलन भी बनाए रखती है डायरी। और डायरीकार कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, तभी वो डायरी लिखे, वरना डायरी लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों, ये थी डायरी और डायरी के बारे में तफसीली मालूमात जो हमने यहाँ पर देख ली है, और मुझे उम्मीद है आपको डायरी समझ में आई होगी। इससे पहले हमने एक पार्ट बनाए थे, आपने वो देख लिए होंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट टू है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहनते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।